वंदे भारत ट्रेन आज के आधुनिक होते हुए भारत की बहुत ही शानदार तस्वीर है। ये भारत की स्पीड, भारत के स्केल दोनों का प्रतिबिंब है। आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी से देश वंदे भारत ट्रेन लॉन्च कर रहा है। अभी तक 10 ऐसी ट्रेनें देश भर में चलनी शुरू हो चुकी है। आज देश के 17 राज्यों के 108 जिले वंदे भारत एक्सप्रेस से कनेक्ट हो चुके हैं। जन औषधि केंद्रों की वजह से गरीब और मध्यम वर्ग के 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। स्टेंट और नीव इम्प्लांट की कीमत कम होने से गरीब और मध्यम वर्ग के हर साल 13,000 करोड़ रुपए बच रहे हैं। मुफ्त डायलिसिस की सुविधा से भी किडनी के गरीब मरीजों के 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने से बचे हैं। हमारी सरकार ने देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाई है। साथियों, आज भारत का हर नागरिक इस बदलाव को स्पष्ट तौर पर महसूस कर रहा है कि अब सरकार के साथ संवाद करना कितना आसान हो गया है। यानी सरकार तक देशवासी आसानी से अपनी बात पहुंचा रहे हैं और उसका समाधान भी उन्हें तुरंत मिल रहा है। जैसे टैक्स से संबंधित शिकायतें पहले बहुत ज्यादा होती थी और इससे और उसके कारण उसके माध्यम से टैक्स पेयर्स को कई तरीके से परेशान किया जाता था। इसलिए हमने टेक्नोलॉजी की मदद से टैक्स की पूरी प्रक्रिया को फेसलेस कर दिया। अब आपकी शिकायतों और उसके निपटारे के बीच कोई व्यक्ति नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजी है। चाहे सैलरीड क्लास हो या व्यापार कारोबार से कमाने वाला मध्यम वर्ग, दोनों को इस बजट ने खुश किया है। आप देखिए 2014 से पहले तक क्या हाल था। जो भी व्यक्ति साल में 2 लाख रुपए ज्यादा कमाता था उस पर टैक्स लग जाता था। भाजपा सरकार ने पहले 5 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स में छूट दी और इस बजट में इसे 7 लाख रुपए तक पहुंचा दिया। आज जिस कमाई पर मिडिल क्लास परिवार का टैक्स 0 है उस पर यूपीए सरकार 20% टैक्स लेती थी। अब ये युवा साथी जिनकी नई नई नौकरी लगी है, जिनकी मासिक आय 60-65 हजार रुपए तक की है, वे अब ज्यादा निवेश कर पाएंगे। गरीब और मध्यम वर्ग के हित में काम करने वाली सरकार ऐसे ही निर्णय लेती है। पहले की सरकारों ने सोचा ही नहीं कि सामान्य जन भी, मध्यम वर्ग भी उतना ही एयर ट्रैवल करना चाहता है। इसलिए तब की सरकारें आवाजाही के तेज माध्यमों पर निवेश करने से बचती रही। एयरपोर्ट्स के विकास के लिए उतना पैसा ही नहीं खर्च किया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि देश में एयर ट्रैवल से जुड़े इतना बड़ा पोटेंशियल होने के बावजूद भी हम उसमें पीछे रह गए, हम उसे टैप नहीं कर पाए। अब देश विकास की आधुनिक सोच के साथ काम कर रहा है तो हम इनके नतीजे भी देख रहे हैं।
साथियों, आजादी से लेकर 2014 तक देश में छोटे बड़े एयरपोर्ट सिर्फ 70 थे, 70 ज्यादातर सिर्फ बड़े शहरों में हवाई यात्रा की व्यवस्था थी, लेकिन हमने हवाई यात्रा को देश के छोटे छोटे शहरों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। इसके लिए हमने दो स्तर पर काम किया। पहला, हमने देश भर में एयरपोर्ट के नेटवर्क का विस्तार किया। दूसरा, उड़ान योजना के जरिए सामान्य मानवी को भी हवाई जहाज में उड़ने का अवसर मिला। इन प्रयासों का अभूतपूर्व परिणाम आया है। आज भारत 100 करोड़ मोबाइल फोन के साथ मोस्ट कनेक्टेड डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है। सस्ते स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट डेटा ने भारत के डिजिटल वर्ल्ड का कायाकल्प कर दिया है। आज भारत में हर महीने 800 करोड़ से अधिक यूपीआई आधारित डिजिटल पेमेंट्स होते हैं। आज भारत में हर दिन 7 करोड़ ई ऑथेंटिफिकेशन होते हैं। भारत के कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश में 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लगी है। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी भारत में यूनिवर्सल है, सबकी पहुंच में है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में बड़े स्केल पर डिजिटल इंक्लूजन हुआ है। अगर हम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बात करें तो 2014 से पहले भारत में 6 करोड़ यूजर्स थे। आज ब्रॉडबैंड यूजर्स की संख्या 80 करोड़ से ज्यादा है। 2014 से पहले भारत में इंटरनेट कनेक्शन की संख्या 25 करोड़ थी। आज ये 85 करोड़ से भी ज्यादा है। बीते कुछ ही वर्षों में 7 वंदे भारत ट्रेनों ने कुल मिलाकर 23 लाख किलोमीटर का सफर पूरा किया है। ये पृथ्वी के 58 चक्कर लगाने के बराबर है। इन ट्रेनों से अब तक 40 लाख से अधिक यात्री यात्रा कर चुके हैं। इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले लोगों का जो समय बचता है वो भी अनमोल है।